नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो नाइट की उपाधि त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी सही है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई। प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्लोन। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है, और यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछते हैं। यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाइबिल, बाइबिल। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया या वापस लिया गया, 1911 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो 75, ऑप्शन नंबर डी सही है, 75।
बिहार में एक नगर में कितने यानी एक शहर में कितने वार्ड बन सकते हैं, तो 75। ऑप्शन नंबर डी सही है, 75। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। ऑप्शन नंबर ए सही है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल में सत्ता दलीय संगठन क्यों किया गया, नेपाल में सत्ता दलीय संगठन क्यों किया गया, तो लोकतंत्र की व्यवस्था हेतु। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकतंत्र की व्यवस्था हेतु। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, काशीराम, काशीराम ऑप्शन नंबर सी सही है। दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है संसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, संसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही है, एकर ही शासन व्यवस्था, एकर ही शासन व्यवस्था। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, एकर ही शासन व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 543। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए सही है। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ, ऑप्शन ए सही है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, पाकिस्तान शब्द किसने दिया, चौधरी रहमत अली ने, ऑप्शन सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को एक दो बार देखें और सभी प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद रखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। तो दोस्तों आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।